टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने जनप्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में जिला अस्पताल में 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनता की सेवा भाव के लिए इसे समर्पित किया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा लगातार बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे टीकमगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट। प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, और हमारे जो सीएम है जो है माहौर साहब, वो निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के जितने भी यहाँ से प्रस्ताव भेजते हैं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, तो उसकी स्वीकृति भोपाल से तत्काल मिलती है। चाहे जिला अस्पताल 200 बिस्तर था, उसका 300 बिस्तर का जो प्रस्ताव भेजा उसकी स्वीकृति भी हो चुकी है, और 100 बेड हॉस्पिटल का काम भी प्रारंभ हो गया है। 3-3 ऑक्सीजन प्लांट, सीटी स्कैन मशीन, तो जो हमारी सरकार है वो दिन रात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम कर रही है। उसी तारतम्य आज हमारे टीकमगढ़ के लिए 2 गाड़ियाँ दी गई हैं, ELS और BLS, जिनको आज हमारे द्वारा हरी झंडी दिखाकर और जनता को समर्पित कर दिया गया है। और भी वाहन शीघ्र से जिला अस्पताल को मिलने वाले, जिसको हम लोग आगे हरी झंडी दिखाएंगे। और भी स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा हो रहा है, इसके बारे में हम आगे आप सबको बताएंगे। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री ने तो हमारे यहाँ के लिए एम्बुलेंस दी है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ का स्टाफ जो हमारे माहौर साहब हैं, सिविल सर्जन हैं, BMO हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि जनता में एक संतोष का माहौल है स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति। और जहाँ कहीं भी कोई ऐसी बात आती है तो उसमें आप लोग हमको बताएंगे, तो उस पर भी हम लोग अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ देने का काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।